30 लाख के चीफ जस्टिस का इमरान शाह को 30 लाख रुपए डैम्स फंड में जमा कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा ने दाऊद चौहान से माफी मांग ली। अदालत ने मामला निपटा दिया। सोमोटो लेकर किसी पर एहसान नहीं करता, इस तरह के लोग फिरौन बन जाते हैं, इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अस्पताल की हिदायत, ड्राइवर समेत 3 मुलाजिम जेर हिरासत, सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में ले ली, कमरा सील, पीपी रहनुमा सेंट्रल जेल मुंतकिल, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। आप अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे? आप अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी का रद्द अमल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट आमद, जरे जमानत जमा करा दिए। अदालत ने गुज़श्ता रोज जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की थी। मेहरान टाउन के मकीनों का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने एहतजाज। केडीए अफसरान, पुलिस और कब्जा माफिया ने जिंदगी अजीरन कर दी। चीफ जस्टिस से नोटिस की अपील, लापता अफराद के वर्सा भी सरापा एहतजाज। 1000 वोल्ट की तारे गिरी, 2 बच्चे हमेशा के लिए बाजुओं से महरूम हो गए। फ्रांस और जर्मनी में मस्नूई हाथ लगाए जा सकते हैं, वालिदैन गम से निढाल। चीफ जस्टिस से इंसाफ और इलाज की अपील, के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने चुप साध ली। तो उसका इलाज करवाइए, चाहे उसे बाहर भेजा जाए। मुझे मुसलसल कहता रहता है, मम्मा घर चले, घर चले। मेरे हाथ का है, मुझे महसूस नहीं हो रहे मम्मा मेरे हाथ। मम्मा बैंडेज खोले, मुझे ब्रश करना है। मम्मा बैंडेज खोल लीजिए, मुझे ब्रश करना है, मेरे हाथों को खोले। अब ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। सदारती इंतखाब से मुतालिक सीनियर रहनुमाओं की बैठक भी होगी। सदारती इंतखाब के मार्के की तैयारी, आरिफ अलवी की परवेज इलाही से मुलाकात, कौम की खिदमत। रेलवे चलाने के लिए अपने बर्तन नहीं बेचेंगे, हमारा फोकस बिजनेस बढ़ाना है, वजीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान। हेडक्वार्टर्स में इजलास, कहा एक ईमानदार शख्स तब्दीली ला सकता है, 100 बेईमान कुछ नहीं कर सकते। खातून अव्वल बुशरा इमरान दारुल शफकत लाहौर पहुंच गईं, यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ खाना खाया, बच्चों में घुल मिल गयी। सहेली फराह खान भी उनके साथ थी, दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। तब्दीली का सफर जारी, ताहिरा सफदर ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। मुल्क की तारीख में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली खातून हैं। गवर्नर मोहम्मद खान अचकजई ने हल्फ लिया। डीपीओ पाक पतन तबादला अज खुद नोटिस, रिजवान गोंदल और आरपीओ शारिक कमाल ने बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी सरबमोहर लिफाफे में रजिस्ट्रार के पास जमा कराए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस मुंतकली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को फरीक बनाया गया है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में फवाद हसन फवाद के रिमांड में 10 दिन की तौसी। 30 साल से कमर दर्द में मुब्तला हूँ, हिरासत में दवा मिल रही है मगर शुगर हो जाने का खदशा है, अदालत में फरियाद। कोर्ट कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया, नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में सियासी मुदाखलत, खातून काउंसलर का साथियों के साथ चौकीदार पर तशद्दुद। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुलजमान फेल तालबा के दाखिले की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गुजोर दिल की भड़ास निकाल कर ही दम लिया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।